तो साथियों, अगर आप अपने मोबाइल फोन में स्नैपचैट प्लस सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री को आप फाइंड आउट करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं स्नैपचैट प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है कई बार ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये पता नहीं है कि मैं इसको पिछले महीने कब लिया था या फिर लास्ट मंथ कब लिया था, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने अभी तक अपने स्नैपचैट प्लस सब्सक्रिप्शन को कितने टाइम लिया हुआ है, पूरी की पूरी हिस्ट्री आप कैसे निकाल सकते हो, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सिंपल तरीके से आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको आपके स्नैपचैट अकाउंट पर आ जाना है और यहाँ पे आपको आपके प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको आपके सेटिंग पर चले जाना है, स्नैपचैट सेटिंग पर आपको सिंपली चले जाना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर देना है, सबसे लास्ट में आ जाना है नीचे की ओर। यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा होगा क्या, माय डेटा। सिंपल तरीके से आपको माय डेटा पे क्लिक कर देना है। माय डेटा पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए, अब इन ऑप्शंस को आपको समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है, मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ। कहीं मेरी वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में लग रही हो तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। साथियों, आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्लूटूथ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ब्लू टिक बहुत सारे ऑप्शंस पे दिया गया है, लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, स्नैपचैट प्लस हिस्ट्री चाहिए। तो यहाँ पे स्नैपचैट प्लस हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिल रही होगी यूजर इन्फॉर्मेशन में। तो सिंपल तरीके से क्या करना है, आपको केवल यूजर इन्फॉर्मेशन पर ब्लू टिक आपको नहीं हटाना है और बकाया जितने भी ऑप्शन है उनमें सभी में से आपको ब्लू टिक हटा देना है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ब्लू टिक हटा देना है। जैसे आप ब्लू टिक हटा दोगे उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है साथ ही, नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर दोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कब तक की स्नैपचैट प्लस हिस्ट्री चाहिए। अगर आपने अभी तक कोई हिस्ट्री ली है, अगर आपने स्नैपचैट प्लस का कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तब जाके आपको यहाँ पे उसकी हिस्ट्री शो होगी, अदरवाइज आपको हिस्ट्री शो नहीं होगी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वरना बहुत से भाई लोग कहेंगे भाई मुझे शो ही नहीं हो रही है, तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना भाई कि कब तक की आपको हिस्ट्री चाहिए। तो आपको लास्ट वीक की चाहिए, लास्ट वीक की चाहिए, लास्ट मंथ की चाहिए, लास्ट ईयर की चाहिए, जब तक कि आपको चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम लास्ट वीक सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी देख लीजिए भाई, इसी मेल आईडी पर आपको आपका डेटा मिलेगा, सारी की सारी हिस्ट्री आपको स्नैपचैट देगा। तो इसलिए आपको आपकी मेल आईडी अच्छे से यहाँ पे देख लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है कि सही मेल आईडी है कि नहीं है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, प्रॉपर तरीके से आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके की एक फाइल बनकर आ जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा बैक करके, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सी फाइल आ गई, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, जैसे आप सबमिट करो तो इस तरीके से कोई एक फाइल आ जाएगी। कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हाल के हाल आ जाएगी, कम से कम 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, आपका डाटा प्रोग्रेस में रहेगा और प्रोग्रेस 5 मिनट होने के बाद ही आपको यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, सी एक्सपोर्ट्स वाला। और जैसे आप सी एक्सपोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आने लगेगा। जैसे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आने लगे, आप समझ जाओ कि आपको मेल आईडी पर एक मेल आ चुकी होगी, उसी मेल का इस्तेमाल करके आपको अपने डेटा को डाउनलोड करना। चलिए हम लोग मेल आईडी पर आते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल आईडी पर साथियों, आप जैसे ही आओगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से भाई मेल आईडी, ये रही मेल आईडी, मेल आईडी पर आप जैसे ही आओगे तो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से एक मेल आईडी, इस तरीके से आपकी मेल आईडी आई होगी, आपको यहाँ पे एक मेल आई होगी, उस मेल पर आपको सिंपल डाउनलोड माय डेटा पे क्लिक करना है। कहाँ करना है मेरे दोस्त, डाउनलोड माय डेटा पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड माय डेटा पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में कुछ इस तरीके के ऑप्शन ओपन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले जो ऑप्शन दिख रहा होगा, पहले नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट स्नैपचैट डॉट कॉम, सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप अकाउंट स्नैपचैट डॉट कॉम पे क्लिक करोगे तो आपसे दोबारा से लॉगिन होने के लिए पूछेगा, मतलब आप दोबारा से लॉगिन हो जाइए। तो यहाँ पे आपको दोबारा से लॉगिन हो जाना है, जो भी आपकी मेल आईडी है, ईमेल है, यूजर आईडी है, जो भी है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, सिंपल तरीके से आपको आपका पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद आपका जो डेटा है वो सारा का सारा, यानी कह सकते हैं कि जो उस ऑप्शन पे था, यानी कि आपकी लॉगिन डिटेल भी हो सकती है, आपकी स्नैपचैट प्लस सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री भी हो सकती है, यूजर इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, मतलब प्रोफाइल से संबंधित जितनी भी आप यहाँ पे एक्टिविटी किए होंगे वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी अलग अलग फोल्डर में। तो मैं समझ में आ गया होगा साथियों, इस तरीके से आप अपनी स्नैपचैट प्लस हिस्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो अपने स्नैपचैट अकाउंट से। तो मैं
आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।